अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुना बहू, आपके जमाने में तो गैस वगैरह आ गई, हमारे जमाने में तो कोयला भी राशन से मिला करे था और लकड़ियों के लिए दूर जंगल जाना पड़ता था। अच्छा बाबा हुकुम, आपको भी जाना पड़ता था? आप तो रजवाड़े हैं ना। अरे हवेली से तो नौकर जाया करते थे लकड़ियों के लिए, पर हम और आदि बन्ना साहब चुपके चुपके दूसरे बच्चों के साथ जंगल चले जाया करते थे। लगता है बाबा हुकुम आप बचपन में बहुत ज्यादा शैतान थे। बचपन में कौन शैतान नहीं होता कुंडा बहू, और हमारे बच्चों की टोली को तो शैतानों की टोली कहते थे गाँव वाले। सच? आग तो फैलती जा रही है। अरे हवेली में कोई है? अभी निशांत, ये आग, डॉक्टर हुकुम, हम अभी आते हैं। ये वो कह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शुक्र है आग बुझ तो गई। बाबा हुकुम आप ठीक तो है? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ही मशाल गिर कैसे गई और आग कैसे लग गई। हमें लगता है शायद तेज हवा की वजह से मशाल गिर गई होगी। चलो हम सब ठीक हैं, यही बहुत है। विश्वास, आज तिथि कौन सी है? क्यों, क्या हुआ? आज तो अमावस्या है। अमावस, ऑर्डर सही निकला। तोमर खानदान के ऊपर बहुत भारी होवे है ये सर्पित अमावस्या। हर साल कोई ना कोई संकट आ खड़ा होता है इस दिन। इसी दिन सालों पहले हमारे परिवार को एक श्राप मिला था, इसलिए ये सब कहर हमारे ऊपर टूटता रहता है, खासकर परिवार के बड़े बेटे के ऊपर। हमारा बड़ा बेटा निशांत बन्ना का पिता, वो भी इसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। हर पीढ़ी के ऊपर ये श्राप है। अगर हर पीढ़ी पे ये श्राप है बाबा हुकुम, तो परिवार का सबसे बड़ा बेटा तो अबीर है ना, उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन दादू साहब, इस संकट का कोई उपाय होगा? पूजा, हवन? हाँ, एक उपाय है। बताइए ना बाबा हुकुम, क्या है? जो होगा हम सब कुछ करवाने को तैयार है। इतना आसान नहीं है कोरोना बहू इस श्राप से बचना। कोई सच्चा प्यार करने वाला ही बचा सके है हम सबको। मतलब ये दो प्यार करने वाले जो ब्याह के बंधन में बंधे हो, वो ही इस उपाय को कर सकते हैं। उन्हें अष्टधातु से बनी हुई मां जगदम्बा की मूर्ति को इस हवेली में पुनः स्थापित करना होगा। वो मूर्ति पुनः स्थापित हो जाएगी तभी ग्रह शांति हो पाएगी। वापस स्थापित करनी? दादू साहब इसका मतलब ये मूर्ति पहले भी इस घर में थी? हाँ मेरी बहू, जब से वो मूर्ति यहाँ से गई है तभी से ये संकट हमारे परिवार के ऊपर है। ये मूर्ति यहाँ से गई कैसे और क्यों? ना मेरी बहू,
उसके बारे में याद करने से भी डर लग गया है। बस ये समझ लो कि एक बुरा काला साया था जो उस मूर्ति को यहां से ले गया। मुद्दे की बात तो ये है, इस समय जहां ये मूर्ति स्थित है वहां बहुत बड़ा, बहुत ही घना जंगल बन चुका है, और वो जंगल यहां से बहुत दूर पोखरण में है। उस जंगल को पार करना भी आसान नहीं होगा। वर्षों पहले जब यह मूर्ति हमारी हवेली से गई थी, तब से ही यह श्राप हमारे ऊपर प्रारंभ हुआ था। उसके बाद उस मूर्ति को यहां कोई वापस ना ला पाया। आदि बन्ना और भानु जी सच्चे प्रेमी थे, मगर ब्याह के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, वरना वो जरूर इस श्राप से इस हवेली को मुक्ति दिला देते। पता नहीं कब इस श्राप से हम सबको मुक्ति मिलेगी। बाबा हुकुम, हमें लगता है कि अबीर और विधि की तो शादी हो चुकी है, तो हमें लगता है कि उस मूर्ति को लाने के लिए और तोमर परिवार को इस श्राप से मुक्त करने के लिए अबीर और विधि को ही जाना चाहिए। लेकिन कुंवर साहब, विश्वास की बात में दम है। विधि बहू में तो भालू जी की परछाई है, और अबीर बनना भी आदि भाईसा का दूसरा रूप है ही। अगर आपको ये सही लगता है तो यही ठीक होगा। माँ, हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिला दे। और तू तो जाने ही है कि बन्ना सा के जीवन में सबसे बड़ा संकट त्रिशाला बननी है। हमारे को ही कुछ करना होगा। बोलो विधि बहू, जाओगी ना वो मूर्ति लेने? हाँ दादा साहब, हम ऐसे मना कैसे कर सकते हैं? जीवती रहो तो ठीक है। जाओ, जाकर अबीर से कह दो कि कल सुबह उसे तुम्हारे साथ जाना है मूर्ति लाने के लिए। जी दादो साहब। आपको नहीं लगता कि हमें इस जगह को खाली नहीं छोड़ना चाहिए? जैसा आपको सही लगे, आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये सब में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बस एक चीज जानते हैं, वो है आपको सताना। आप भी ना। अरे अब हाथ भी आप लगाएंगे क्या? हमें करने दीजिए। आइसक्रीम को इज्जत देने के लिए उसको हाथों से नहीं, होठों से छुआ जाता है। थोड़ा रोमांस तो हमारी जिंदगी में बनता है ना अबीर? मनीषा, हमने ना कल टीवी पर देखा था कि जीप पर बहुत कीटाणु हुए, बन्ना सा को चिपक गए तो? अरे वो छोड़िए, कभी जोक देखी आपने? व्हाट जोक? अरे जोक जो शरीर पर चिपक के खून चूसे, उसी की बात कर रहे हैं। हमारे गांव के तालाब में ना बहुत मिले हैं। ये सब चीजें तुम्हारे गांव में होती होंगी, यहाँ पर नहीं। ना ना बन्नी, हवेली में भी मिले हैं। मेरा यकीन ना होता, आईने में देख लीजिए। ऐसी हिम्मत 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 तो तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है। दिन भर मारे पति के साथ चिपक कर रहती हो। आइए बना सा, हम साफ कर देते हैं। दीदी तुम सुधर जाओ। विलायत से पढ़ के आई ना आप, तो इतना तो थारे को पता होना चाहिए कि घर वाली जब अपने पति से बात कर रही हो तो बाहर वाली को मुंह ना खोलना चाहिए।